अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अयूब टीवी के साथ मैं हूं शज़ा एजाज। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत मसला कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन फौज और कौम किसी भी इकदाम का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर और मावन खसूसी बराए तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीर आजम की बनाई गई कमेटी की आज पहली मीटिंग थी, जिसमें पाकिस्तान के तमाम इदारों की तजावीज आई हैं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत को खबरदार कर दिया कि वो आज़ाद कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब मत देखे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर एक जेल है, जहां हर घर के दरवाजे पर भारतीय फौज खड़ी है। वजीर आजम इमरान खान ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर बहस का खैर मकदम किया है। ट्विटर पर जारी बयान में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि 50 सालों में ये पहली बार है कि मसला कश्मीर को दुनिया के सबसे आला सिफारती फोरम पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 11 करारदादे हैं जो कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को तस्लीम करती हैं, और सलामती काउंसिल का इजलास इन करारदादों की दोबारा तौसीक था। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल 13 रोज के बाद भी कर्फ्यू नाफिज होने के बायस कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासर और मरीज तिब्बी सहूलियात से महरूम है। भारत की हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात BJP ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत से मुतालिक आयन का आर्टिकल 370 राज्यसभा में पेश करने से कबल ही सदारती हुक्मनामे के जरिए खत्म कर दिया था। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से 50 करोड़ डॉलर का कर्जा मिल गया, जिसके बाद मुल्की ज़र मुबादला के मजमू ज़खायर की मालियत 15,57,75,00,000 डॉलर तक पहुंच गई। स्टेट बैंक की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से 50 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। 9 अगस्त को हफ्ते के अख्ताम पर ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में 53 करोड़ डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मुल्की ज़र मुबादला के मजमू ज़खायर की मालियत 15,97,75,00,000 डॉलर तक पहुँच गई। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि कर्फ्यू हटते ही मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद बढ़ने का इम्कान है, जबकि भारत पुलवामा वाक़े जैसा बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 7 अफराद जान बहक हो गए। आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट के इलाके पोटी छपरियां में बारिशों के नतीजे में लैंडस्लाइडिंग के बायस 4 मकानात मलबे का ढेर बन गए, जिसके नतीजे में इन मकानात में मौजूद 7 अफराद जान बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। कोयटा के नवाही इलाके कचलाक की जामा मस्जिद और मदरसा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बम धमाके का मुकदमा CDD थाने में दर्ज कर लिया गया। CDD ज़राए के मुताबिक हाफिज अब्दुल मजीद की मुदैयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इकदाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत एक्सप्लोसिव एक्ट की दफात शामिल की गई। कश्मीर पर आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे की भी खुली खिलाफ वर्जी शुरू करते हुए वॉलर बैराज, लोअर कनलाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ना सिर्फ मुआयने की इजाज़त नहीं दे रहे, बल्कि सैलाबी पानी की इतला भी बर वक्त फराहम नहीं की जा रही। वजीर आजम इमरान खान ने प्लास्टिक बैग पर पाबंदी मुहिम को मुल्क के दीगर शहरों तक फैलाने की हिदायत दे दी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने ब्रीफिंग दी। अयूब TV से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अयूब TV या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.ayooth.tv।